दोस्तों, आप सभी ने कहीं ना कहीं इंटरनेट ब्राउजर की सेटिंग्स में, इंटरनेट ऑप्शंस में या पढ़ाई करते टाइम पर इंटरनेट की कुकीज के बारे में जरूर सुना होगा। ये कुकीज क्या होती हैं? ये कैसे काम करती हैं? ये आपके लिए अच्छी हैं या नहीं, ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुकीज होती क्या है। कुकीज कुछ फाइल्स हैं जो आपके इंटरनेट ब्राउजर की कैश मेमोरी में स्टोर्ड हो जाती हैं। अब वो फाइल्स आती कहाँ से हैं कि जब भी आप किसी कुकी इन्वॉल्व वेबसाइट पर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट या कुछ भी, जब भी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं जो कुकीज इनेबल्ड हैं, तो वो हमारे ब्राउजर पर डिपेंड करती है। अगर वो कुकीज इनेबल्ड हैं, तो वो वेबसाइट हमारे कंप्यूटर में एक कुकी को ड्रॉप कर देगी। उसके बाद में हमने उस वेबसाइट पर क्या क्या किया, क्या क्या सर्च किया, क्या क्या हमने देखा, तो वो सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो कुकी की हेल्प से वेबसाइट तक पहुंचती रहती है, ताकि जब आप अगली बार उस वेबसाइट पर जाएं, तो वो आपको रिकमेंड रिजल्ट दिखा सके। तो वो कुकीज उनको हेल्प करती हैं आपका डाटा जो आपने देखा उसके थ्रू उस वेबसाइट को आपके लिए और अच्छे वे में प्रेजेंट करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा होगा तो हमको मदद मिलेगी। जब हम अगली बार जाते हैं कहीं पे, तो वो हमको अच्छे से हमारे तरीके से जैसे हम चाहते हैं या हमने जो जो सेटिंग्स की हैं, जो जो हमने उसमें देखा, वो हमको अगली बार वापस से मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उस विंडो को क्लोज भी कर दिया और अगर वो कुकी इनेबल्ड वेबसाइट है, अगर आप दोबारा उस विंडो पर जाते हैं कभी, तो आपको आपके आईडी और पासवर्ड कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कुकीज खराब क्यों होता है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कुकीज आपको परेशान कर रही हैं, ये आपकी जो प्राइवेसी है इंटरनेट की, उसको ये कुकीज तंग कर रही हैं, तो इनको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात कहां पर आती है, जब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी कुकीज की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर तरह तरह के एड्स चल रहे होते हैं। कुछ एक पॉपअप एड्स होते हैं, कुछ एड्स तो ऐसे होते हैं कि जैसे ही आप क्लिक करते हैं 15-20 विंडो खुल जाती हैं। तो वो अगर जो विंडोज खुलती हैं, अगर वो वेबसाइट्स अगर आपके ब्राउजर में कुकीज डाल दें, उसके बाद में वो आपकी सारी प्राइवेसी को छीन सकती हैं। कुकीज वेबसाइट की हेल्प से आपका जितना भी लॉगिन इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर कार्ड का नंबर एंटर किया है या कार्ड की एक्सपायरी, आपका नेम, एड्रेस नोट किया है, तो वो सभी चीजें उस तक पहुंच सकती हैं। तो आपके लिए ऑप्शन ये होगा कि आप जाइए अपने किसी इंटरनेट ब्राउजर में, जो भी आप यूज करते हैं, उसकी सेटिंग्स में वहां पर जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है ब्लॉक ऑल कुकीज। इसका मतलब ये है कि ये सभी तरीके की कुकीज को ब्लॉक कर देगा, चाहे वो ट्रस्टेड वेबसाइट से हो, चाहे वो थर्ड पार्टी से हो, जो भी हो। उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज। जो थर्ड पार्टी कुकीज है जो एड्स के थ्रू आ रही है, तो उसको आप ऐसे ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कुछ ब्राउजर्स में कि वो कुकी के बारे में आपसे हर बार पूछेगा कि कुकीज को इनेबल्ड करना है या नहीं करना। दोस्तों, आपको ये जानकारी जानकर अच्छा लगा हो, आपको पता लगा होगा कि कुकीज क्या होती हैं, कैसे काम आती हैं, ये आपके लिए अच्छी भी हैं, कुछ कुकीज खराब भी हैं। अगर इन बातों में ध्यान रखते हैं तो आप अपनी डिजिटल लाइफ को थोड़ा सा सेफ बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।